हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम राजस्थान में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ 45, 46, 47, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 50 डिग्री। और जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके लिए कह भी रहे हैं कि आपको अंदर रहना चाहिए, लेकिन हम अंदर नहीं रहेंगे, हम जाएंगे बाहर। तो गाइज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्या हम तेल है जो ऑयल होता है, जो अपन कुकिंग ऑयल होता है, उसको अगर धूप में बाहर रखेंगे तो क्या उससे हम कुछ पका सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कितनी देर में पकाने के लिए ऑयल गर्म होता है। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक कुर्सी। तो गाइज ये आ गई है कुर्सी हमारी। हमको चाहिए वो है जो कुकिंग ऑयल है, तो हमने रिफाइंड का तेल यूज किया। वैसे आपको करना नहीं चाहिए, बहुत खराब होता है, लेकिन हम कुकिंग ऑयल है वो रिफाइंड का यूज करने वाले हैं। तो ये आ गया रिफाइंड ऑयल तेल, और अब इस तेल को हम डालेंगे किसी एक बर्तन में। तो हमको चाहिए बर्तन, तो अभी हम बर्तन लेके आते हैं। हमको स्टील का बर्तन चाहिए, तो हम स्टील का बर्तन लेके आने वाला है। और ये आ गया स्टील का बर्तन गाइस हमारे पास। अब क्या करते हैं, इस स्टील के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के छोड़ देंगे इसको 2-3 घंटे के लिए, फिर देखते हैं क्या नजारे होने वाले। अभी 1 बजे या 3 बजे तक ये गर्म हो चुका होगा गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में तेल भी है, सामने बर्तन भी है। अभी इसके अंदर थोड़ा तेल डालेंगे, देखते कितनी देर में गर्म होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। गाइज आप कैमरामैन आप थोड़ा नजदीक होके दिखाएं हमने कितना ऑयल डाला है जी। गाइज बस गाइज हम इतना ही इसमें ऑयल डाल के निकलेंगे और इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फिर देखते हैं कि क्या नजारे होने वाले, कितनी देर में गर्म होने वाले हैं। गाइज मैं आपको सूरज दिखा देता हूँ, सूरज ऊपर है बहुत ज्यादा, और ये हमारे तूफानी कलाकार जो UAE का झंडा पहनकर यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आए हैं धूप में। और अभी हम दिखाते हैं आपको कि ये कितनी देर में गर्म होने वाला है। हमारा सामान रखा था वो, अभी देखते हैं वो जो ऑयल है वो गर्म हुआ कि नहीं हुआ। करीबन 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। ओहो साहब क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो गाइज अभी हमारा ऑयल है वो इस तरीके का लग रहा है, लगभग ये थोड़ा गर्म हो चुका है, और इस पे धूप वो कंटिन्यू आ रही है। जिसके अंदर अभी पाइप भूंगड़ा नाम की जो चीज़ होती है वो डाल के देखते हैं, मतलब सब जगह अलग अलग बोलते होंगे, तो अभी इसके अंदर डालते हैं। तो गाइज हम 1.5 घंटे के बाद में हमारे यहाँ पर आए, और हमारा ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा येलो हो गया, मतलब इसमें हीट तो जनरेट हो चुकी है। तो अभी इसके अंदर हम डाल के देखेंगे, ये जैसे हमारे पास ये चक्री फालरी पता नहीं इनको कुछ तो बोलते हैं, ये इसके अंदर हम डाल के देखेंगे और क्या देखेंगे कि इसका रिजल्ट आने वाला कैसा है। तो आप कैमरामैन थोड़ा इसके नज़दीक आ जाएं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ी थोड़ी हीट है वो जनरेट होनी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको थोड़ा क्लोथ से दिखाता हूँ, देखिए गाइज इसकी हीट इतनी है कि अभी ये इसको फुलाने में थोड़ा सा कैपेबल है, और शायद इसको टाइम लगेगा और ये सिक भी जाएगा। तो हम यही देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी देर में सिक जाता है। तो गाइस जो फाइनल रिजल्ट ये रहा कि ये जो हीट में थोड़ा बहुत तो इसमें बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं बन सकता। 40-50 डिग्री में इसको करीब 80-100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, तो हीट होकर भी ये थोड़ा सा तो जलने स्टार्ट हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जलना अभी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आज का वीडियो यही एंड होता है, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।